गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी आज क्लासेस भी हैं और मेरी आज एक मीटिंग भी है ऑफ माई फेस्ट। एक फेस्ट हो रहा है हमारे कॉलेज में, ठीक है, उसकी मीटिंग है अभी। आई एम गोइंग फॉर दैट राइट नाउ एंड उसके बाद क्लास है, तो अभी डायरेक्टली बैग लेके निकलते हैं एंड आई मीट यू इन द वे। नहा धोया, अभी बाल गीले ही हैं मेरे, मैं लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, आई हैव टू जस्ट रश नाउ। Guys, I got stuck in the lift. अब जा रही हूँ से नीचे, क्योंकि अपने मजा लिफ्ट में डन विथ टूडेज मीटिंग्स एंड अब मेरी लैब का टाइम होने वाला है एंड अब मैं जा रही हूँ लैब की तरफ। कितना बढ़िया लग रहा है ना कुछ करने हैं दिन में, कुछ ना, सो नाइस। चलो लेट्स गो फॉर लैब नाउ। देखो गाइस हम कितने अच्छे बच्चे हैं हम सबसे पहले क्लास में आ गए हैं, मैडम से पहले हम क्लास में आ गए हैं। इतने ओबीडियंट होना चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो, पंचुअल होना चाहिए। टॉपर टिप्सी ने हमेशा हमें गलत प्रूफ करना ही होता है ना, इसलिए करेक्शन करनी होती है। हद हो गई, बैक बेंचर से हम 1 2 3 4th बेंचर हो गए हैं। मैं वही तो फालतू बातें कर रही हूं, है ना, क्या करके आई थी साथ में? मैं कुछ नहीं, डिस्कस करके आई हूं, आइडिएशन करके आई हूं बहुत ज्यादा। इसमें मैंने नींबू पानी पिया है पहली क्लास लगाई है हमने, बट आफ्टर गेटिंग सो मच गीला टाइम अब हमने हाँ तो हमने एक क्लास लगा ली है, अब हम खेलने जा रहे हैं बाहर। इतनी सीरियस कभी क्लास में नहीं होता, जितना मुंह देखो ना इसका, सीरियस का सीरियस, इतना सीरियस फेस। गाइस हम जीतने लगे, रुक जाओ, मैं शॉर्ट रिकॉर्ड करने दो। Yeah, we won. My decision of Sayyam ki team mein aane ka was very nice. Aur ek goal Sayyam ne daal diya. Ek dali. Chalo jaa daal lo. Tujh jo shaitani mera dil le jaave. Guys, song of the day is here. Tum sun sakte ho. गानी बाय अखिल। हाय गाइस, आई एम बैक एट माय हॉस्टल। मीटिंग्स भी कर ली, एक ही मीटिंग थी, मीटिंग्स क्या, एक ही मीटिंग थी छोटी सी, ठीक है, वो भी कर ली एंड दैट वाज अबाउट अ फेस्ट जो हमारे कॉलेज में हो रहा है एंड आई एम इन दैट टीम, तो वहां पर थी मीटिंग। एंड उसके अलावा जो एक लैब थी, एक लैब लगाई, देन पूल खेलने गए एंड दैट ऑल, यही सब था। तो या दैट वाज अबाउट माय डे। इसके अलावा मैंने यस्टरडे आई पोस्टेड अबाउट एक वो क्वेश्चनेयर सा डाला था इंस्टा पे रिगार्डिंग कि मुझे क्या तरह का कंटेंट डालना चाहिए व्लॉग में। तो उसमें आई हैड 2-3 लोगों के क्वेश्चंस थे ऐसे कि हाउ टू मैनेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विद स्टडी, तो आई थॉट आई एड्रेस दैट क्वेश्चन और मैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। तो यार देखो, मेन चीज़ ये है कि तुम अपना जो टाइम है ना दिन का, वो कैसे सेग्रीगेट कर रहे हो। देखो जब जो पढ़ाई की बात है ना, वो तो मोस्टली अराउंड एग्जाम्स ही होती है, जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं
तभी तुम्हें टेंशन होती कि पढ़ाई में क्या चल रहा है, अदरवाइज तो तुम अपनी स्किल्स वगैरह सीखते रहो। तो मेनली अपना फोकस ऐसे रखो कि जो तुम्हारे पास जनरल आफ्टर एग्जाम्स जितना टाइम है, या एग्जाम्स आने में भी 10-15 दिन है एटलीस्ट, है ना, तब तक का जो तुम्हारा सेमेस्टर का बिगनिंग का टाइम है, वो सारी चीजें तुम नई चीजें एक्सप्लोर करने में यूज कर सकते हो। तुम अपना कोई स्किल सीख सकते हो, तुम सोसाइटीज ज्वाइन कर सकते हो, उन सोसाइटीज में इंटरेक्ट करो, इवेंट्स कराओ, उन चीजों से ना बहुत नेटवर्किंग होती है और नेटवर्किंग के कारण तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हें लोगों से बात करनी आती है, दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका तो मेरे पास मतलब जैसे मैंने करा, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट सोल्यूशन कि जब एग्जाम्स आ रहे हैं उससे 10-15 दिन पहले यू जस्ट ढंग से पढ़ना शुरू कर दो एग्जाम्स के लिए, क्या क्या सिलेबस है, कितना ही सिलेबस होता है, ठीक है, तो वो ढंग से पढ़ना शुरू करो बिफोर एग्जाम्स। रोज रोज पढ़ने की आई डोंट थिंक इतनी जरूरत होती, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली नहीं पढ़ाई करी रोज रोज, मैंने एग्जाम से पहले ही पढ़ाई करी है। 10-15 दिन पहले शुरू कर लो सिलेबस, एक बार एग्जाम आने से पहले एक बार सिलेबस तुमने देखा हो, चाहे ऊपर ऊपर से देखा हो या कुछ, क्योंकि एक एक छुट्टी के अंदर ना फिर बहुत तेज तेज सब करना पड़ता है और फिर खराब जाता है, जो वैसे भी खराब ही जाना होता है बट बहुत ज्यादा खराब जाता है। तो यहाँ यही मेन है कि जब तुम्हारे पास फ्री टाइम है तुम्हारा, उसमें तुम अपनी स्किल्स सीख लो, कुछ भी सीख सकते हो। मैंने पहले भी इस बारे में एक वीडियो बनाई है, बट कुछ भी यू कैन लर्न अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन, देन वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब कुछ मैं बहुत बार रिपीटेडली बता चुकी हूँ, बट या एंड मार्केटिंग यू कैन सीख, एंड वीडियो एडिटिंग, है ना, इसके अलावा और बहुत सारी तुम्हारी स्किल्स हैं, जैसे तुम्हें डांस में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ड्रामा में इंटरेस्ट है, एक्टिंग वगैरह, क्रिएटिविटी, आर्ट वगैरह, ये सब कुछ बहुत कुछ है, ना बहुत वैरायटी है कॉलेज में, तो वो सब कुछ तुम कर सकते हो साथ साथ अपना। तो या आई थिंक दैट आंसर्स दैट क्वेश्चन, बाकी मुझे पता नहीं है इफ दैट आंसर्स। तो अगर इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं टाइम मैनेजमेंट वगैरह के रिलेटेड, तो तुम डाल देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। बाकी आई थिंक दैट इज इट फॉर द वीडियो। या सो आई वाज सेइंग दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड अब हो सकता है थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आ जाए, क्योंकि अब मैं थोड़ी फेस्ट की टीम में आ गई हूँ, तो शायद उसका काम हो जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाए कुछ। या आई विल सी यू टुमारो नाउ। Thank you so much for watching the video. Like, share and subscribe to my channel.